मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की कहानी एक लड़के की है जिसने बचपन में अपने साथ हुए एक छोटे से मजाक का बदला लेने के लिए तीन खूबसूरत लड़कियों का गेम बजा डाला। मूवी की स्टार्टिंग में हमें तीन लड़कियों की फोटो दिखाई जाती है जिनका नाम तबिथा, शेल्वी और लिसा होता है। इसके बाद हम एक लड़के की फोटो देखते हैं जिसके नाम के नीचे लिखा होता है एक्सट्रीमली डेंजरस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेल्वी बड़ी हो चुकी है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव पर जा रही है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम रॉब था। रॉब अपनी आइटम को लेकर हाई स्पीड में कार चला रहा था, तभी शेल्वी उससे कहती है कि जान जरा धीरे चलो ना। तो रॉब उससे कहता है बाबू तुम मेरी राइड के मजे लो और एक झपकी मार लो। थोड़ी देर बाद शेल्वी सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके आगे एक बहुत बड़ा ट्रक चल रहा है और पीछे से उनको एक कार फॉलो कर रही है। आगे रॉब अपनी कार में फ्यूल भरने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकता है और वो ट्रक और कार भी उस पंप पर फ्यूल भरवाने के लिए रुकती है। रॉब उस कार वाले आदमी से बातचीत करता है और वो आदमी रॉब से कहता है कि रास्ता सुनसान है तो हमें एक साथ टीम में चलना होगा, और वो कहता है कि मुझे ये ट्रक ड्राइवर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वहीं वो ट्रक ड्राइवर उन लोगों से कहता है किड्स अगर तुम चाहते हो मेरी कंपनी लेना तो मुझे फॉलो करते रहना बिकॉज मैं भी सोल ट्रेवल ही कर रहा हूँ। तभी सेल्वी को ट्रक में एक लड़की दिखती है जो कि बहुत डरी हुई थी। उस लड़की को देखकर सेल्वी को लगता है कि शायद वो ट्रक ड्राइवर उसे किडनैप करके ले जा रहा है। इसके बाद वो सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलते हैं। शेल्वी रॉब से कहती है कि मैंने ट्रक में एक लड़की को देखा और वो बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आ रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे उसे किसी की हेल्प चाहिए। तो रॉब सेल्वी से कहता है शायद तुम्हें वहम हुआ होगा क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर ने मुझसे कहा है कि वो अकेला ट्रैवल कर रहा है। वहीं वो लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तभी ट्रक की बैक विंडो से एक लड़की उनसे मदद मांगती है। इससे पहले वो उसकी कुछ मदद करते वो लड़की चलते चलते ट्रक से नीचे कूद जाती है और रॉब की कार से टकराकर नीचे गिर जाती है। अब रॉब अपनी कार रोकता है लेकिन वो लड़की बुरी तरह से घायल हो गई थी। तभी रॉब के पीछे जो कार वाला आदमी था वो वहां आता है और रॉब से कहता है कि मैं इसे संभालता हूं। तुम जाकर उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ो और उसका नंबर नोट कर लाओ। रॉब शेल्वी को उस लड़की के पास छोड़कर ट्रक का पीछा करता है लेकिन एकदम से ट्रक कहीं गायब हो जाता है। अब जैसे ही रॉब अपनी कार से नीचे उतरता है तभी अचानक से ट्रक वहां आ जाता है और उसकी कार को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन रॉब अपनी कार साइड में करके खुद को बचा लेता है। अब ट्रक वापस उस लड़की को पकड़ने के लिए चला जाता है। इधर रॉब की कार एक गड्ढे में फंस जाती है। रॉब जैसे तैसे अपनी कार को निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस आ जाता है। वो देखता है कि वो कार वाला आदमी रोड पर घायल पड़ा है और उसकी गर्लफ्रेंड और वो लड़की दोनों लोग गायब हैं। गाइस शायद ट्रक ड्राइवर उन दोनों को अपने साथ लेकर भाग गया है। अब रॉब की कार खराब हो चुकी थी तो वो उस आदमी को उठाता है और उसकी कार से शेल्वी को ढूंढने निकल पड़ता है। वो कार वाला आदमी कहता है कि मुझे पता है वो ट्रक कहाँ गया है। इसके बाद वो आदमी रॉब को एक सुनसान घर में लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम कार में ही रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम उससे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी फैमिली का ख्याल रखोगे। रॉब को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना था तो वो उस आदमी की बात मानकर कार में ही रुकता है। अब वो दूसरा आदमी उस ट्रक ड्राइवर के घर के बाहर जाकर उसकी बातें सुनता है। वो ड्राइवर किसी को कॉल करके बता रहा था कि वो लड़की कार से जंप करके भाग गई। मुझे लगता है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रॉब को कार में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसी कार में शेल्बी और वो लड़की दोनों बंधी डली हुई होती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि ये सब रंडापा इस कार वाले आदमी का ही किया धरा है। उधर जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर घर से बाहर निकलता है वो कार वाला आदमी उसे हथौड़े से मार मार कर उसका भर्ता बना देता है। वहीं रॉब कार लेकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी कार की चाबी को अपने साथ ले गया था। अब वो आदमी रॉब के पास आकर डेविल स्माइल करता है और उसे हथौड़े से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तबिथा को देखते हैं। तबिथा अपनी आंट के घर पर अपने कजिन्स ब्रदर से मिलने आई थी। वो घर के अंदर आकर अपने दो बहुत ही प्यारे मासूम भाइयों मैक्स और डैनी से मिलती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारी बेबी सिटर कहाँ है, तो बच्चे बताते हैं कि वो तो बहुत देर पहले जा चुकी है। तबिथा को ये बात अजीब लगती है। तभी तबिथा को ऊपर से कुछ आवाज आती है तो वो चेक करने जाती है। वो देखती है कि गेस्ट रूम अच्छी तरह से सजा हुआ है और वहाँ पर ढेर सारे गुड्डा गुड़िया और जोकर के खिलौने रखे हैं। वहीं रात को सब डिनर टेबल पर बैठकर पेट पूजा करती
जाती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब ताबिता दरवाजा खोलती है तो उसे रेन सूट पहने हुए एक बंदा दिखाई देता है। वो बंदा बेबी सिटर का बॉयफ्रेंड होता है। वो ताबिता से पूछता है कि बेबी सिटर घर पर है, तो ताबिता उससे कहती है कि बेबी सिटर तो मेरे आने से पहले ही चली गई। वहीं वो बंदा कहता है कि लेकिन वो तो अभी तक घर नहीं पहुंची। इसके बाद वो बंदा वहां से चला जाता है। अब ताबिता बच्चों के पास जाती है और उनसे शोरगुल करने से मना करती है और चुपचाप सो जाने के लिए कहती है। इसके बाद ताबिता अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि एक चेयर के ऊपर एक इंसान की तरह जोकर बैठा हुआ है जो कि स्टैचू हालत में था। ताबिता उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये सचमुच का आदमी ही तो नहीं है। वो उसका मास्क हटाने के लिए डरते डरते उसके पास जाती है, लेकिन तभी जोरदार बिजली कड़कती है और ताबिता की फटके फव्वारा हो जाती है। अब ताबिता अपने कपड़े चेंज करने लगती है, तभी अचानक से रूम की टीवी ऑन हो जाती है और वो देखती है कि टीवी का रिमोट उस जोकर के पास रखा है। ये देखकर ताबिता की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। वो डरते हुए जोकर के पास जाती है और रिमोट उठाकर टीवी बंद कर देती है। इसके बाद वो रजाई ओढ़कर सोने की कोशिश करती है। तभी उसके पास उसकी आंटी की कॉल आती है और वो उससे बच्चों के बारे में पूछती है। तो ताबिता उनसे कहती है कि बच्चे एकदम ठीक हैं और आराम से सो चुके हैं। वो अपनी आंट से कहती है, आंटी जी तुमने जो गेस्ट रूम में ये इतना भयानक जोकर रखा हुआ है इससे मेरी फटी पड़ी है, मुझे इसे देखकर बहुत डर लग रहा है। तो उसकी आंट कहती है कि मैं तो ऐसा कोई जोकर ही नहीं लेकर आई हूँ। अब ये सुनकर ताबिता के तोते उड़ जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो अब वो जोकर वहाँ से गायब हो चुका था। अब ताबिता समझ जाती है कि घर में एक कातिल घुसा हुआ है। वो सीधा बच्चों के रूम में जाती है और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती है और बच्चों को जगाकर उनसे कहती है कि घर में जोकर की कॉस्ट्यूम में एक कातिल घुसा हुआ है। तो बच्चे कहते हैं वो एक अच्छा जोकर है और वो बस हमारे साथ खेलना चाहता है। इतने में वो जोकर एक बहुत ही बड़े चाकू से उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिसे देखकर ताबिता और बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन ताबिता विंडो की खिड़की खोलकर बच्चों को नीचे कुदा देती है और उनसे कहती है कि जल्दी से किसी के पास जाकर पुलिस को बुलाने के लिए बोलो। तब तक वो जोकर रूम में आकर ताबिता पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वक्त रहते ताबिता भी नीचे कूद जाती है और गैरेज रूम में जाकर छुपने की कोशिश करती है। तो वहाँ उसे बेबी सिटर की लाश मिलती है। इसका मतलब ये था कि जोकर बेबी सिटर का काम तमाम कर चुका था। तभी वो जोकर वहाँ आ जाता है और ताबिता को मारकर बेहोश कर देता है। जब ताबिता की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक FBI इंटरोगेशन रूम में पाती है। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पर किसने अटैक किया होगा, लेकिन ताबिता उसका कोई जवाब नहीं देती और वो अपने बचपन के दिनों को याद करने लगती है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि ताबिता लिसा और शेल्बी तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो ब्रायर हिल्स एलिमेंट्री स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। एक दिन उन्हें एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है। वहीं वो तीनों सहेलियां एक दूसरे को अपना अपना प्रोजेक्ट दिखाती हैं। तभी वहां पर वो लड़का भी मौजूद था जिसकी फोटो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जो एक्सट्रीमली डेंजरस था। लेकिन गाइस अभी तक उनका नाम हमें पता नहीं चलता। वो लड़का उन तीनों लड़कियों के प्रोजेक्ट देखने के बाद उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, जिसे देखकर ताबिता बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने एक चूहे के पेट को चीर फाड़ करके चैन से बांध कर रखा हुआ था और उस चूहे के पेट के ऑर्गन्स साफ नजर आ रहे थे। इसके बाद ताबिता अपने ख्यालों से बाहर निकलती है। वहीं अब उसे मिलने के लिए एक थेरेपिस्ट आती है और उससे लिसा और शेल्वी के बारे में पूछती है। इधर शीन शिफ्ट होता है और हम व्यूअर्स लिसा को देखते हैं। लिसा अपनी रूममेट के साथ एक क्लब में गुलछर्रे उड़ा रही होती है। उसकी रूममेट उससे कहती है कि मुझे तो पार्टी में एक चिकना पसंद आ गया है और आज रात में उसके घर चिकनी चमेली बनकर जाऊंगी। इसके बाद लिसा का बॉयफ्रेंड उसे घर ड्रॉप करने चाहता है और दोनों कार से जम के चुम्मा चाटी करते हैं। इससे उसके बॉयफ्रेंड का मूड बन जाता है और वो लिसा से पूछता है क्या वो उसके घर आ सकता है। तो लिसा कहती है कि अब तक मेरी रूममेट वापस आ गई होगी तो हमें अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब लिसा अपने घर के अंदर आती है तो देखती है कि अभी तक उसकी रूममेट वापस नहीं आई है और उसके अंदर का रोमांस उछाल मारने लगता है। लिसा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुला लेती है। वहीं दोनों रात भर जम के हैंडपंप से पानी निकालते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिसा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट अभी तक घर वापस नहीं आई। लिसा को उसकी फिक्र होने लगती है क्योंकि वो आज तक कभी भी इतनी देर के लिए गायब नहीं होती थी। लिसा अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि वो उसे ढूंढने जा रही है। उसने उसे मैसेज में उस होटल का एड्रेस भेजा था जहाँ पे वो गई थी और वो वहीं पर उसे ढूंढने जा रही है। लिसा उस होटल तक पहुँचती है और डोरबेल बजाती है तो दरवाजे के होल से होटल का केयर टेकर उसे लेंस लगा कर
देखता है और उसे कहता है कि रूम्स फुल हो चुके हैं, सॉरी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर वो लिसा को वहाँ से भगा देता है और उसकी बात सुनता तक नहीं है। वही लिसा को अपने बाबू की याद आती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुला लेती है और उसे कहती है कि तुम अपने सिक्योरिटी बैच की मदद से उस होटल के अंदर जाओ और पता करो कि उसकी फ्रेंड अंदर है या नहीं। लिसा का बॉयफ्रेंड उसकी बात मानकर होटल के दरवाजे पर जाता है और उस केयर टेकर को अपना सिक्योरिटी बैच दिखाकर होटल के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि ये होटल तो बहुत शानदार है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि होटल का केयर टेकर वही बंदा है जिसने सेल्वी और ताबिथा को पकड़ा था। लिसा का बॉयफ्रेंड वहाँ पर एक लाजवाब इंस्ट्रूमेंट को देखता है। वही केयर टेकर उसे बताता है कि ये बहुत ही शानदार चीज है, इसमें पहले गाना प्ले होता है और गाना खत्म होने के बाद ये हमें एक सरप्राइज गिफ्ट देता है। वो लिसा के बॉयफ्रेंड को उसे ट्राई करने के लिए कहता है तो वो उसे ट्राई करता है, जहाँ पे उस मशीन में एक गाना बजता है और गाना खत्म होने के बाद उसमें एक छोटी सी चाकू निकलकर लिसा के बॉयफ्रेंड की आंख में घुस जाती है और लिसा के मजनू की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये तो गाइस आंख फाड़ सरप्राइज था। वहीं बेचारी लिसा बाहर बैठी अपने बॉयफ्रेंड के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब रात होने तक वो वापस नहीं आती है तो लिसा डिसाइड करती है कि अब उसे ही कैसे भी करके होटल के अंदर जाना होगा। वो छुपकर दरवाजे तक जाती है लेकिन एक कांच की बोतल पर उसका पैर लग जाता है और वो टूटकर नीचे गिर जाती है। वो केयर टेकर उसकी आवाज सुनकर बाहर चेक करने आता है, जिसे देख के लिसा एक कोने में छिप जाती है। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर लिसा होटल के अंदर घुस जाती है। वो बेसमेंट में जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे बहुत से बेड्स दिखाई देते हैं और वहाँ पर एक आदमी भी होता है। लिसा उससे हेल्प मांगती है। गाइस वो आदमी कोई और नहीं बल्कि होटल का केयर टेकर ही था, जो कि भेस बदल कर वहाँ पर बैठा हुआ था। वो लिसा के सामने बहरा होने का नाटक करता है और लिसा से कहता है कि थोड़ा जोर से बोलो ताकि मैं तुम्हारे लिप्स रीड कर सकूं। लिसा उससे पूछती है कि कुछ घंटों पहले मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आया था, क्या तुमने किसी को भी यहाँ पर आते हुए देखा था? तो वो आदमी उससे कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया है। तभी लिसा को बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है तो वो आदमी उसे एक बेड पर छिपने के लिए लिटा देता है। तभी लिसा को ऐसा फील होता है कि बेड के नीचे कोई है, तो वो चादर हटाती है और वहाँ पे वो अपनी रूममेट को बुरी तरह से बेड के अंदर बंधा हुआ देखती है। फिर लिसा सभी बेड से चादर हटाकर देखती है तो सभी बेड्स पर अलग अलग लोगों की लाशें थी। वहीं लिसा की रूममेट जिंदा थी, तो वो उसे वार्निंग देती है, भाग जाओ यहाँ से वरना लोड़े लग जाएंगे। जो बहरा बनकर बैठा हुआ आदमी है वही बहन का टका असली कातिल है। वहीं लिसा देखती है कि उस आदमी के जूतों पर खून लगा हुआ है, तो वो सब कुछ समझ जाती है कि ये सब इसी का करा धरा है। वो आदमी एक डेविल स्माइल करता है और एक चाकू से लिसा पर अटैक करता है। यही सीन शिफ्ट होता है ताबिथा की ओर। ताबिथा उस थेरेपिस्ट को बताती है कि बचपन में लिसा और सेल्वी उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और वो सभी ब्रायर हिल्स स्कूल में क्लासमेट थे, लेकिन काफी टाइम से वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है। वो थेरेपिस्ट ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि कई सालों पहले एक लड़का उसका पेशेंट था जो ब्रायर हिल्स में ही पढ़ता था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत खौफनाक थी। ताबिथा समझ जाती है कि वो वही साइको लड़का है जिसने डेंजर प्रोजेक्ट बनाया था। इधर हम देखते हैं कि थेरेपिस्ट के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं, तो वो बाहर कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन जाने से पहले वो ताबिथा को बताती है कि उसकी फ्रेंड शेल्बी और लिसा भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ताबिथा को समझ में आ जाता है कि वो स्कूल वाला साइको लड़का उनके पीछे पड़ा हुआ है। ताबिथा उस रूम से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई FBI इंटरोगेशन रूम नहीं है बल्कि कातिल का अड्डा है। तभी वो अपने सामने उस थेरेपिस्ट की डेड बॉडी को देखती है जिसका किलर ने काम तमाम कर दिया था। अब वो साइको किलर लड़का ताबिथा के सामने आ जाता है और ताबिथा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ताबिथा वहाँ से भाग जाती है। वहीं ताबिथा उस लड़के से बचकर भागती हुई एक रूम में जाकर बंद हो जाती है, लेकिन वो लड़का उस रूम को छोटा करने लगता है जिससे ताबिथा उसमें कुचल कर मर जाए। लेकिन अचानक से वो लड़का रुक जाता है और उस रूम की लाइट्स ऑन करता है, तो ताबिथा वहाँ पर लिसा और शेल्वी को जंजीरों से लटका हुआ देखती है और उस साइको लड़के ने उन दोनों लड़कियों के पेट की बहुत बुरी तरह से चीर फाड़ कर रखी थी और उनके पेट के सभी ऑर्गन साफ साफ दिख रहे थे, सेम उसी तरह जैसे उसने बचपन में चूहे की चीर फाड़ करके अपना प्रोजेक्ट बनाया था। अब वो साइको लड़का सेल्वी को भी मारने के लिए जाता है। वहीं ताबिथा उससे बहुत मिन्नतें करती है शेल्वी को छोड़ दे, तभी वो सेल्वी के कटे हुए पेट को अलग फेंक देता है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि जो सेल्वी का फटा हुआ पेट हमें दिखाई दे रहा था वो तो बस एक नकली पोस्टर था, असल में शेल्वी बिल्कुल ठीक थी। अब साइको लड़का ताबिथा से कहता है कि क्या ये फनी था, तो ताबिथा भी जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर वो लड़का उसके पास जाकर हंसने लगता है और वो कांच
खुलकर ताबिथा को अंदर अपने पास बुला लेता है। ताबिथा अपने दिमाग से काम लेती है और अपनी पॉकेट से एक चाकू निकालकर उसके गले में घोंप देती है, जिससे वो लड़का घायल हो जाता है। इतने में ताबिथा लिसा और शेल्बी को आजाद करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो साइको लड़का उठ खड़ा होता है और लिसा के पेट में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। वहीं इतने में ताबिथा और शेल्बी वहाँ से भाग जाती है और उन्हें एक सीढ़ियाँ दिखाई देती है। वो उस पे चढ़कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का भी उनके पीछे आ जाता है और वो शेल्बी की टांग पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे शेल्बी नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो लड़का अभी भी बच जाता है। ताबिथा को बहुत बुरा लगता है कि उसके सामने उसकी दोनों फ्रेंड मारी गई। अब ताबिथा एक अंधेरे रूम में जाकर छुप जाती है। वो लड़का भी ऊपर आ जाता है और ताबिथा देखती है कि वो कोई रूम नहीं बल्कि ट्रक का कंटेनर है और वो लड़का उसे लेकर कहीं जा रहा है। फिर जैसे ही वो लड़का ताबिथा को एक होल से देखता है, ताबिथा पास पड़ा एक 3 चाकुओं वाला हथियार उठाती है और उस लड़के की आंख में घुसेड़ कर उसे मार डालती है। इसके बाद ताबिथा हम व्यूअर्स को बताती है कि बचपन में हम तीनों इस साइको लड़के का बहुत मजाक बनाते हैं और फिर हमने इससे बात करना बंद कर दिया और इसे हम भूल गए, लेकिन ये हमें कभी भूला नहीं और इसने सिर्फ बचपन में हुए एक छोटे से मजाक का बदला लेने के लिए हमारे साथ ये किया। मेरे जिगर के टुकड़ों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया हो। अब चलिए चुपचाप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना बहुत पाप पड़ेगा। आई लव यू फैमिली।